इंदौर में कर मुक्त व्यापार की शुरुआत इस दिन यानी 3 मार्च 1716 में हुई थी। उस समय इंदौर के शासक राव राजाराव नंदलाल मंडलोई को इंदौर को विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए दिल्ली के मुगल दरबार से सनद मिली थी। इंदौर में आज भी नंदलाल मंडलोई की 12वीं पीढ़ी के युवराज वरदराज मंडलोई इस विरासत को संभाले हुए हैं। वरदराज ने बताया कि सनद में फारसी कैलेंडर की तारीख के रूप में रबी उल अव्वल लिखा था। जमींदार परिवार ने उस शब्द का अनुवाद व प्रमाणीकरण लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी व फारसी एक्सपर्ट से करवाया। इससे स्पष्ट हुआ कि यह तारीख अंग्रेजी कैलेंडर की 3 मार्च 1716 से है। इस सनद को जयपुर के राजा सवाई राजा जयसिंह व पुणे के शासक बाजीराव पेशवा ने भी मान्य किया था। इसके बाद इंदौर से किए जाने वाले व्यापार को मुक्त किया गया था और इसी वजह से जुनिंदौर स्थित बड़ा रावला का जमींदार परिवार 3 मार्च 1716 को मुगलों से मिली सनद के उपलक्ष्य में इंदौर का स्थापना दिवस मनाया आता है। वरदराज ने बताया कि इसके हिसाब से इंदौर में कर मुक्त व्यापार की शुरुआत को 305 वर्ष हो चुके हैं, यानी आज इंदौर अपना 306वां स्थापना दिवस मनाएगा। वर्ष 1700 से पहले कंपेल में नंदराव मंडलोई शासक थे। उस समय कंपेल के अंतर्गत 8 कचहरियां व 80 गांव हैं और इसमें से एक कचहरी इंदौर के जुनिंदौर स्थित बड़ा रावला में ही शामिल थी।